पूरा पानी जैसा हो गया, छोटा छोटा पीसेस बनाना भी अंडा सफाई हो गया। अंडा उबालने के लिए यहाँ पे पानी गर्म कर रहा, पूरा 15 अंडा पोड़ दिया अभी, नमक हल्दी पाउडर, अंडा का अच्छा मिक्स हो गया। इसको सीधा कवर में डाल दे रहा अभी, अभी इसको सीधा गर्म पानी में अच्छा उबाल देते पहले, इसको अच्छा बांध दे रहा, सीधा इसको गर्म पानी में रख दे रहा, अब इसको निकाल दे रहा। वाह कितना अच्छा सा उबल गया देखो अंडा। यहाँ पे आलू कटिंग हो रहा, अब इसमें डाला सरसों तेल, अब इसको अच्छा मिला रहा, कवर से इसको निकाल दे रहा अभी, पूरा पानी जैसा हो गया देखो। यहाँ पे आलू भी अच्छा सा, इसको छोटा छोटा पीसेस बनाना अभी। अंडा तो कटिंग हो गया, अब इसको सीधा ग्रेवी में डाल देते हैं। आलू अच्छा सफाई हो गया, अब इसको निकाल दे रहा, और थोड़ा आयल डाला इसमें। अभी अंडा को भी अच्छा सफाई कर रहा, अंडा भी अच्छा सफाई हो रहा अभी आयल में, अंडा तो अच्छा सफाई हो गया, अभी इसको निकाल दे रहा प्लेट में। अब इसमें ज़्यादा जीरा, अब इसमें ज़्यादा प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, अभी इसको अच्छा मिला रहा, अभी इसमें ज़्यादा हल्दी पाउडर, अभी इसको अच्छा मिला रहा, अभी इसमें ज़्यादा रेड चिली पाउडर, ये है नमक, अभी इसमें थोड़ा सा पानी, अभी इसमें ज़्यादा धनिया पाउडर, ये है चिकन मसाला, अभी इसमें ज़्यादा टमाटो, इसमें ज़्यादा आलू, अभी इसमें ज़्यादा फ्राई किया हुआ अंडा, अभी इसमें ज़्यादा पानी ग्रेवी के लिए, ऊपर से रख दिया ढक्कन, आलू और अंडा अच्छा सा अभी इसमें ऊपर से डाल दिया धनिया पत्ता, थोड़ा सा गर्म मसाला, अभी इसको अच्छा सा मिला रहा, कल 2 मिनट में रेडी हो जाएगा अंडा, आलू करीब रेडी हो गया, नीचे उतार दे रहा अभी। कितना अच्छा सा रेडी हो गया देखो अंडा आलू करी तो रेडी हो गया, चलो इसको खाएंगे अभी।